कभी कभी ना कुछ टेस्टी टैंगी और एकदम ही चटपटा सा कुछ खाने की इच्छा होती है, तो ज़रूर आप लोगों को भी होती होगी जैसे हमें होती है। तो आज हम कुछ ऐसा ही बना रहे हैं। उसके लिए हमने यहाँ पे बहुत सारी सब्जियाँ ली है। अगर आपके पास इतनी सारी सब्जियाँ हो ना तो ये ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही मज़ा आएगा। और ये गारंटी है कि ये आप सब लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि इसका टेस्ट जो है ना वो हम बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे सब्जियों में हमने लिया है प्याज, कैबेज है, कैप्सिकम है, कैरेट है, टमाटर है और बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इन सारी चीज़ों को यानी कि सारी सब्जियों को हम मिक्स कर लेंगे। साथ में हमने कॉर्न लिए हैं और आलू भी लिए हैं, बॉईल किए हुए आलू है। साथ में यहाँ पे हमने क्यूकम्बर यानी कि ककड़ी जो होती है वो ली है। धनिया पत्ता ढेर सारा डाल देना, उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और प्याज टमाटर भी ऐड कर देना है। और अब ना यहाँ पे थोड़ी सी शिमला मिर्च यानी कि कैप्सिकम ऐड कर रहे हैं। अब इसके अंदर ऐड करना है बटर, हमने यहाँ पे एक चम्मच बटर लिया है। और थोड़ा सा लिया है इसके अंदर ग्रीन चिली पेस्ट, ये तीखी वाली चिली है। तो अब इसके अंदर दही भी ऐड करना है, तो 3-4 चम्मच इतना दही ऐड कर देना। फिर यहाँ पे सॉसेस की बारी आ गई। अब सॉसेस में आपको जो पसंद हो वो डाल सकते हैं। हमने यहाँ पे ऐड किया है तंदूरी, पिज़्ज़ा पास्ता और बर्गर सॉस जो होता है ना, बर्गर मायोनीज होता है वो ऐड कर दिया। सिंपल वाला मायोनीज भी ढेर सारा डाल दिया है। और बारी है चीज़ की, तो चीज़ में तो मैं बिल्कुल भी परहेज़ नहीं करने वाली, बहुत सारी डाल दूँगी। फिर डाल दिया है थोड़े सा ब्लैक पेपर और ऑरेगानो। फिर यहाँ पे चिली सॉस ऐड किया है, चिली सॉस ना थोड़ा सा स्वीट वाला जो आता है ना वो ऐड कीजिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। और फिर थोड़ा सा केचप ऐड कर देना है। और यहाँ पे है चाट मसाला, चाट मसाले से एक बहुत ही अच्छा टैंगीनेस आता है, ज़रूर ऐड कीजिएगा, ठीक है। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब क्या करना है, इसके अंदर हम एक मेन चीज़ भूल गए हैं जो कि है स्वाद अनुसार नमक। नमक से ही तो इस सबकी चीज़ों का मतलब सब चीज़ों का स्वाद ज़्यादा बढ़ेगा ना। हाँ, तो नमक ज़रूर डाल दीजिएगा। अब यहाँ पे है ब्रेड स्लाइसेस, इसको हमने बटरिंग कर दिया है यानी कि बटर लगा दिया है। अब इसके ऊपर हमने स्टफिंग जो है ना बनाया हुआ वो स्प्रेड कर देंगे। तो ये डेफिनेटली हम सैंडविच बनाने वाले हैं। और ये जो सैंडविच है ना, मैक्सिकन सैंडविच, आप लोगों को सच में बहुत ही अच्छी लगने वाली है। तो सारा स्टफिंग इस तरह से भरिएगा कि एक मोटा सा लेयर बन जाए, तभी तो अच्छे से सैंडविच खाने में मज़ा आता है ना यार। थोड़ा थोड़ा सा लगाया होता है तो क्या सिर्फ ब्रेड खाते हैं, जैसे बाहर मार्केट में मिलते हैं उस तरह से थोड़े ना बनाएंगे, घर पर बना रहे हैं तो बहुत ही अच्छे से स्टफिंग भर देंगे। और अब क्या करेंगे, इसको ग्रिल करना है। तो ग्रिल करते वक्त ना एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि आप घी से ग्रिल कीजिएगा, यानी कि घी लगा दीजिएगा दोनों तरफ और फिर ग्रिल कीजिएगा, क्योंकि घी का जो स्वाद होता है ना ये ग्रिल की हुई सैंडविच में, वो तो बाय गॉड कोई भी चीज़ बीट नहीं कर सकती है। तो मैंने ना थोड़ा सा घी उसके नीचे भी डाल दिया और उसके ऊपर सैंडविच रख दिया, और ऊपर से भी घी लगा देना है बहुत सारा। तो घी एकदम हेल्दी चीज़ है, बटर जैसा थोड़ा सा अनहेल्दी नहीं है, क्योंकि ये घर का बनाया हुआ घी है। और यहाँ पे हमारी सैंडविच ग्रिल हो गई है, साथ में सॉसेस सर्व कर दिए हैं। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में बताइए कैसी लगी, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सी यू, बाय बाय।